मांडू जन्म नर्मदा बचाओ से 35 साल मिला पर ऐसा दुनिया में कई बांध छे पर वहां आसो बनियो नहीं है जो हमारा सदा सरवण में नर्मदा आंदोलन का गांव का कार्यकर्ता भी गांव की महिला ना भी और दीदी का साथ में तो हम मैदानी लड़ाई में लड़े और कानूनी लड़ाई में लड़े सत्याग्रह भी करे पानी में भी उभे न लाठी गोली भी खाई न जेल ना तो एक भी छोड़े पर दर्जो मत रहे अपने जेल को माता अच्छो खाना मिले अपना लेते एक भाजी एक ही सब्जी मिलती हो माता दो दो सब्जी न दाल भी मिला न रोटी न भी अच्छी मिलन पर वो यो छे के जहां तक है कौन आयल छे के नर्मदा आंदोलन वाला आयल छे तो वो पहला समझी जा कि ये लोग खतरनाक छे या सीधा छे तो हमको सीधा के साथ में सीधो भी रहनु पड़ेगा और जो आंदो रहेगा के साथ में ओसो भी रहनु पड़ेगा तो हमारी 32 साल की लड़ाई छे ओका मां पिछोड़ी और जयसिंधी भादल ऐसा गांव ना के एक सब पूरी जानकारी निकाली हमारा कार्यकर्ता ना भी और जी जी वो पहुंचे हाई कोर्ट गए हाई कोर्ट में जीतेगा सुप्रीम कोर्ट में जीत्या जीत्या काई कि 7 साल तो हम आसान लड़िया करे 7 साल बाद हमारा पुनर्विचार हुई वो विचार हो तो आयो काई कि जैके भी 5 एकड़ जमीन हो क्योंकि 1 एकड़ जमीन जाएगा 25% ओका 5.80 मिलेगा या 5 एकड़ जमीन मिलेगा दूसरो आयो कि 60/90 को प्लाट मिलेगा यो सब हमारे एकम आयो पर सरकार ने उसका ताक में रखी दियो तो और कह दियो कि पैसा ले और तमाशा देखो कह पैसा फेंको तमाशा देखो आसो यो सरकार ने करो पर एकम लूटने वाला लूट ही गए भ्रष्टाचार भी हो दलाल भी बहुत हुए उनका लूटिन खाई पर जो पक्का था हमारा आदिवासी और निमार का भी खास था उन्होंने ना अभी कोर्ट का फैसला आयो तो 60 लाख रुपया और जिन्हें भर्ती कराड़ी उसको भी कानून से लड़ा उसका भी 15 लाख रुपया और पुनर्वास में जमीन गई उनका तो कैसा थे तो कहीं नहीं मिलोगे पर जब फैसलो जीजी लड़िया तो उनका ही 15 लाख देखो जीत पर जीती होती जा रही पर फिर भी हाल हमने गांव और जमीन नहीं छोड़ी है हम हमारा हक का लेन लड़नू पड़ेगा समय भी बर्बाद करना पड़ेगा और अपना घर में जो पड़े पूरी हो उनका भी छोड़नू पड़ेगा नहीं तो आज 4 घंटा आएगा न गया रोटा खैलन सोएगा तासो नहीं पड़ेगा तो एकासी जो आइलैंड है जो लड़नू पड़ेगा और रही अब रही चुनाव की बात बुरो मन मान जो हम लोग हमारे घाटी पर 32 साल से लड़ी रहा पर कई दिन न कांग्रेस न भाजपा सबसे ऊंची हमारी घाटी क्योंकि जनता वाला जनता पार्टी में लड़ा कांग्रेस वाला कांग्रेस पर हमने आज से 32 साल कहो कि नहीं हम घाटी का लोग एक चे पर भाई नो अभी नरेंद्र मोदी न जो गुजरात में आयो तो चुनाव तो ना काय सोचे को जन्मदिन बनायो सदा सरोवर पर और सब मुख्यमंत्री ने का बुलाया था कि वहां सब जन आई जाए जो हाँ हमारा जन्मदिन पर वहां उद्घाटन करूंगा समापन लोग न करूंगा अरे तू काय समापन करेगा हमने बलि दिए छे हमारे घर थे तू मिल छे हमारी प्रकृति हमारा पूरा आड़ने की धरवत गई तू काय वहां समर्पित करेगा तो के बाद में पूरा पान खाली कर दिया है ने अब नर्मदा माता रही नहीं सुखी ओकी बाद में इन्होंने एक यात्रा निकल आर पार ही गया नर्मदा कहीं नहीं नर्मदा में अपन कहा कि सुखी जाए बन्नम ने हड़का देखा ऐसा भी नर्मदा माता का भी हड़का देखा था तो ओका लेन भी लड़िया और जब हमारी यात्रा गई जब से नर्मदा पानी देखी रोज आ तुम्हारे यहाँ नर्मदा को आवाज करनी आओ तो है पर हमारा निमाड़ में तो हमको नर्मदा चाहिए तो वो केस भी हम लड़ी ना है कि पुनर्वास में भी हमको नर्मदा चाहिए
आसो नहीं कि हम कहीं पानी टैंकर ना से लाई लाई में दे वो भी कहीं कहाँ से भरी लावे न मच्छर हो कि कहीं हो पियवाड़ा तो हमने कह देने हमको नर्मदा माता को पानी होनो तो यार एक एक कड़ी हम जीतता जा रहा और लड़ता जा रहा पर एक महिलाओं ना की सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे नर्मदा आंदोलन में रही क्योंकि हम घूंघट में रहता था घूंघट में रहा बड़ा की जेट जेट हो बड़ो हो वकील लाज पाड़ा पर जब हम आंदोलन में आया और जीजे ने घर घर जाएगा और मीटिंग नासिक करे तुम्हारे आवासी तो सब महिला ने घूंघट छोड़ दिया और आधा माता भाई ने हमको पूरा छोड़ दिया हम कहा कि झांसी की रानी जो लड़ी थी वह भी कमर कसी न निकली थी ऐसा जीजे ने हमने कमर पट्टा भी ले गए लोग ना कहे छच्ची का पट्टा मिले खेत का पट्टा मिले हमको कमर का पट्टा मिले वो क्यों मिले सोचो बहुत मार खायो बहुत लाठी चाहे और वो ना लाठी चार जमा हमारे रहमत वसावे भी शांत हुआ पर ओका माय बाप ना कही दियो कि मारो एक छोरो गयो पर यहाँ हजारों छोरा घाटी मचे हमका कोई नहीं फिकर है देखो उनकी बुद्धि और उनकी अक्कल तो आज अपना निमार तो बहुत अच्छो छे और हरियाली भी छे पानी भी छे पेड़ भी छे सब कहीं छे पर हमारे यहाँ पेड़ काटने का आवाज तो हम तो झाड़ना छे पकड़ी ने चोटी जावा काटो पहले हमको काटो के बाद में झाड़ काट तो अभी सब आंसू चली रहे और प्रदूषण प्रदूषण ये बड़ा बांध बांध है आज हमने देखे वहाँ खलघाट में ये तो पड़ाव पड़ेल छे सब भी चाय कान माय कान सब तो सब वो पानी पड़ेगा नर्मदा में जाए अरे शिवराज चौहान तू काय करेगी नर्मदा की सेवा ये कहते तू उल्टो गंदे करी गंदे तू कर हमारा तो आदिवासी नाना हमारा किसान भाई नाना वो का स्वच्छता रखी थी बात कल 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 बहती थी हमारे साथ में जैसे बात करती हो ऐसे माँ नर्मदा हमारे साथ में रहती थी हम नर्मदा किनारा के रहने वाला छे नेत्रो पानी शुद्ध नेत्रो पानी मीठो कि भूख लगेली होने एक कसुक पानी पी लिया तो चार घंटा रोटा नहीं खाना पर उन्हें माय की काई गति करी दी इना नरेंद्र मोदी ना और शिवराज चौहान पहला ऐसा कोई नहीं होता पर हम कोई कांग्रेस की भी नहीं वड़े करांगा ना भाजपा की करांगा पर भाई न हो अभी भी आई गो चुनाव हम समझे जाजो ये काई काई के हम जो कलेक्टर ने काम करतो वो नहीं काम करतो पर आप सरकार का कावन की गुरु करो जान के पानी पियो छान के आप देख लीजिए काई होगा यो भाई मां जगत बटेल छे मतिल सार की लड़ाई छे बहुत तुमको सोना नहीं देऊ रात भर ऐसे बात नहीं कर जिंदाबाद अरे देश की नारी कैसी है अरे देश की नारी आई है किसान मातुर एकता जिंदाबाद संजरी वाला भाई भी जिंदाबाद और इनका यो भाई नो है वो भी हमारी काकी भाभी नो है तो भी है ना बच्चा सबको जिंदाबाद लड़ांगा जीता धन्यवाद।